नगर पालिका की उदासीनता। आज आज़ादी की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर पालिका ये भी भूल गई कि जो प्रतीक्षालय उन्होंने बनवाए थे उसकी साफ सफाई तक करवाना भूल गए, जहां पर उन्होंने विभिन्न शहीदों की चित्र लगवाए थे। इन शहीदों के परिजन यहां पर नगर पालिका की जगह पर कार्य कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि पंडित राम प्रसाद शुक्ल जी के परिजन पौत्र श्री अनुज शुक्ल यहाँ पर आए हुए हैं। नगर पालिका की उदासीनता का इससे भद्दा उदाहरण और क्या मिलेगा आपको। शाम तक प्रतीक्षा की इसलिए कि शायद अब सोती हुई नगर पालिका जाग जाए। इन्वर्टर की स्थिति देखिए, जैसे ही लाइट गई वैसे ही इन्वर्टर बंद हो गया। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि इन्वर्टर कई माह से ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। देखो, हमसे यह कही गई थी कि इस साल से अब हमेशा नगर पालिका वाले साफ सफाई करी है, तो हमने इंतजार करो कि नगर पालिका वाले उसे का दाम है या कोई ना ही आओ तब हम शाम को आए। कोई ना नगर पालिका वाले ना ही आओ तो कोई ना आओ, हम लोग सफाई करते। आप लोग सफाई करो, यहाँ की सफाई हमारी लोग करते। ये एक स्थानीय निवासी हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ नगर पालिका ने जिस दिन से ये लगाया है कभी सुध लेने का प्रयास नहीं किया इसका, और इन्होंने इस बात की तस्दीक भी करी कि ये पूछा अनुज शुक्ला जी से कि आप बड़ा लेट हो गए इस बार आने में, तो अनुज जी ने बताया कि पिछली बार नगर पालिका ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि इस अगली बार ये गलती नहीं होगी और हम इसका पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि इसकी साज सज्जा इसकी साफ सफाई होती रहे। परंतु उदासीन रवैया नगर पालिका का एक बार फिर देखिए। ये हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो है। ये हैं बीरभान साथ जी, पंडित नित्यानंद दुबे जी, श्री पीताम्बरनाथ खत्री जी, गिरधारी लाल वर्मा जी, लाल मणि गुप्ता जी, पंडित राम प्रसाद शुक्ल जी, और जिनके ऊपर
पूरी सियासत चल रही है आज, सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाले, और अगर कहें ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिनके नाम पर जो यहाँ की चेयरमैन बने बैठे हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी जिनके नाम का अनुकरण करती है, उनके चेयरमैन हैं ये हैं श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे संविधान निर्माता, विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। सामने से हट के करिए, नहीं इसे खोल लीजिए। बेस्ट ऑप्शन यही है।
नगर पालिका फरुखाबाद का उदासीन रवैया। आज 15 अगस्त आज़ादी के इस पावन पर्व पर भी ये याद ना रख सकी कि जो प्रतीक्षालय बड़ी शिद्दत से और काफ़ी पैसे खर्च करके बनवाए गए थे नगर पालिका द्वारा, जहां उन्होंने विभिन्न शहीदों के चित्र लगाए थे, उनकी साफ सफाई भी करा पाती। आप यहीं रहते हैं बाबूजी? ये भाई रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, आ गए। अच्छा, आ गए वो भैया रहते हैं? ये लोग रहते हैं। अच्छा, ये लोग रहते हैं? ये लोग सब बैठे हैं, यही रहते हैं। अच्छा, यहाँ कोई सफाई करने आता है क्या? आप ही लोग करते हैं? कोई नहीं आता नगर पालिका से भी? कोई नहीं आता? झाड़ू भी नहीं लगाता कोई? नहीं कोई नहीं। आज आपको मालूम है आज 15 अगस्त है? कोई नहीं, आज भी झाड़ू लगाया। आज आप ही ने झाड़ू लगाई? और नगर पालिका से कोई नहीं आता? ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, ये बता रहे हैं कि नगर पालिका से यहाँ कभी कोई झाड़ू लगाने तक नहीं आता है। बोले क्या ही 15 अगस्त भी ये भूल गए। कभी सुना होगा आपने, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या ऐसा निशा होगा? ये कल्पना ना ही कभी शहीदों के किसी परिजन ने की होगी, ना ही खुद उन्होंने कभी की होगी कि जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना सर्वस्व दे दिया, उनकी याद केवल राजनीति के लिए, केवल पैसे कमाने के लिए आती है इस नगर पालिका को।
अच्छा है, अच्छा अच्छा फूल पुष्प नीचे पड़े हैं। गुरुजी, नीरज जी, नीरज जी, गौर से देखिए इस बोर्ड को। इस बोर्ड पे पालिका अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है और ये फरुखाबाद के विकास पुरुष कहे जाते हैं। ऐसा विकास कि जिसे देख के शर्म से सर झुक जाए। शहीदों को नमन करते शहीद राम प्रसाद शुक्ल जी के पौत्र अनु शुक्ल। और यहां पर 15 अगस्त को मिष्ठान वितरण प्रारंभ किया गया। भैया प्रसाद ले लो। दादा को भी दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमने और हमारे इष्ट मित्रों ने, नीरज जी ने, प्रथम जी ने, मेरे भतीजे अक्षय ने और हमारे विकास जी ने लगातार आपको ये लाइव पहुंचा रहे थे, हम सब ने शहीदों को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे पास बहुत अधिक साधन नहीं है, सरकारी अमला नहीं है, हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। हमने अपने अपने साधनों से अपने अपने पूर्वजों को, हमारे देश के शहीदों को, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, बाबा साहेब जी को अपनी तरफ से श्रद्धा के दो फूल चढ़ाने का काम किया है। हमसे जो बन सकता था हमने अपनी तरफ से सर्वोत्तम करने का प्रयास किया है। हमारा साधन संपन्न लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से यह निवेदन है और अपील है कि वो भी अपनी तरफ से देशभक्ति की तरफ एक कदम बढ़ाएं। केवल फोटो मात्र लगा देने से उनका कर्तव्य का इतिश्री नहीं हो सकता। शहीदों को 2 मिनट के लिए याद करना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों के अच्छे संस्कार डालने हैं
तो शहीदों का सम्मान बरकरार रखना पड़ेगा, उनके नमन करते रहना पड़ेगा। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है ना हो सकते हैं। हर पल हर क्षण उनके ही आशीर्वाद से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।